Okay, so good morning, students. I hope you all are fine. Now, in the last class, we have learned long division method to find out the square root of the number. Long division method to find out the square root of the number. Now, today, we are going to discuss what must be the least number that must be subtracted from the given number to make it a perfect square, and also we have to find out the square root of the perfect square so obtained. Okay, a very simple one. So let's take an example. That is, if the number is 5607 to make it a perfect square. Okay? So, according to this, see, earlier we have learnt how find the least number that must be multiplied or divided by the given number to make it a perfect square. For that we have used prime factorization method, and for the question that is find the least number that must be subtracted, or next one will be discussing that is added. Abhi hum subtracted dekh rahe hain, iske baad hum added dekhenge. To iske liye dono ke hi liye added or subtracted ke liye aapko जो मेथड यूज करना है दैट मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. विल बी यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, अभी क्वेश्चन है हमारा फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये एक नोट लिख लीजिएगा बच्चों, यदि क्वेश्चन में लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है. अब देखिए 5607 है आपके पास नंबर. लॉन्ग डिवीजन मेथड की सबसे पहली स्टेप थी आपकी मेक पेयर्स, तो इधर से पेयरिंग कर लेते हैं. ओके, नाउ आफ्टर मेकिंग पेयर्स वट वी नीड टू डू, सेम लॉन्ग डिविजन मैथड करना है पूरा. वट इज द फर्स्ट नंबर और वट इज द नंबर हुज स्क्वायर इज जस्ट लेस देन 56. सो वी सी 7 स्क्वायर इज 49 विच इज लेस देन 56. तो 7 का स्क्वायर लिखा 49, यहां पर प्लस 7 करेंगे, माइनस करना है यहां पर 16 माइनस 9 इज 7 and here it is 0. Copy down the complete pair, it is 07. The number ho gaya 707. 7 plus 7 ho gaya 14. Ab yahan pe ones digit pe aapko koi number likhna hai, aur ones digit se is pure number ko multiply karenge, and the product should be less than 707. तो यदि आपको 14 का टेबल आता है तो अप्रोक्सीमेशन बहुत इजी हो जाएगा. 14 4 56, 14 5 75, ठीक है, 14 5 70 और 14 4 56. सो लेट्स ट्राई फॉर 4 और 5, दोनों को देखते हैं. 144 × 4 4 4 16 1, 4 4 16 17 1 4 1 4 plus 1 5. तो आपके पास आया 576. इफ आई टेक 5 145 × 5 5 5 20 5 2 5 4 20 plus 2 22 5 1 5 plus 2 7, आपके पास आया 725, जो कि इससे ज्यादा हो गया. हमें इससे छोटा नंबर लेना है. वी हैव टू टेक अ नंबर स्मॉलर देन दिस वन, and that is 576, और उसके लिए डिजिट हमने लिया है 4. So I'll place here 4,
here it is 4 and here I write 576. Okay, plus 4, it is 148. Subtract कर लीजिए 17 minus 6, 7 minus 6 is 1. Okay, 10 minus 7 is 3, 6 minus 5 is 1. 6 plus 1, 7, 7 plus 3, 10, 5, 6, 7, 131. तो अब इसके बाद यहां पर हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा हुआ है कॉपी करने के लिए. सो रिमाइंडर जो भी बच गया, दिस इज 131 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, तो नंबर क्या आया बच्चों, 131 सब्ट्रैक्ट करना है. अब मैं यहां से 131 माइनस करता हूं 5607. सो अ परफेक्ट स्क्वायर इज 5607 माइनस 131. माइनस किया 7 माइनस 1, 6, 10 माइनस 3, 7, 5 माइनस 1, 4, एंड हियर इट इज 5476. ओके, चेक कर ले, 6 प्लस 1, 7, 7 प्लस 3, 10, 0, रिमाइंडर 1, 4, 5 प्लस 1, 6, एंड 5 इज हियर 5476. And finally, you have to also write the square root of the perfect square. तो ये तो perfect square मिला था, अब इसका आपको square root लिखना है. तो आपको फिर से calculate करने की जरूरत नहीं है बच्चों. यहाँ जो number हमने लिखा था 74, that is the answer, that is perfect square. तो इस question के तीन parts है. सबसे पहले least number find करना है, that must be subtracted, वो यहाँ पे मिल गया. ठीक है, नेक्स्ट आगे यदि बोला परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कीजिए, तो हम माइनस करके परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे. और उसके बाद यदि बोला राइट द स्क्वायर रूट आल्सो, सो वी हैव टू राइट द स्क्वायर रूट फ्रॉम हियर इटसेल्फ. सो दैट इज फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. नोट कर ले बच्चों, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, then five digit number and then six digit number, which is a perfect square. Okay, again to find the greatest four digit number which is a perfect square, the question is actually find the least number that must be subtracted from ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है आपका 9999 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो
अल्टीमेटली क्वेश्चन वही है जो अभी हमने इससे पहले किया था, फाइंड द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है आपका 9999। इसमें से क्या माइनस करेंगे कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिले। अगेन गो फॉर द सेम पेयरिंग कर लें, फर्स्ट नंबर 9, 9 81 प्लस 9 18 ईयर ऑल्सो 99। सी 18 × 9 इज 162, 18 × 10 इज 180, तो 10 तो हो नहीं सकता, 9 ही ले सकते हैं। लेट्स ट्राई फॉर 189 × 9, 9 9 81, 8 9 72 प्लस 8 is 80, इट इज 1701। छोटा नंबर मिला इससे, 9 लिया था, 9 यहां भी लिखा, 1701 प्लस 9 कर दिया 198, एंड द रिमाइंडर हियर इज 891। सो 198 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब इसमें से 198 माइनस करते हैं, 9999 माइनस 198, यू विल गेट 9 − 8 1, 9 − 9 0, 9 − 1 8, 9801। This is the greatest four digit number which is a perfect square. Okay, and if you have to write the square root also, then again it is the same, square root of 9801 is the answer that we have obtained here, is 99. Similarly, to find the greatest 5 digit number, we'll find out the least number that must be subtracted from 99999. Ek aur 9 bad jayega, 5 times 9 likhna hai, 6 डिजिट नंबर के लिए 6 टाइम्स 9 लिखेंगे। ओके, सो दिस वे वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सब्ट्रैक्टेड यू गेट द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड ऑल्सो राइट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। ओके, बी पार्ट, लेट्स सी बी पार्ट। नाउ फॉर बी पार्ट, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज 99999। लॉन्ग डिविजन मेथड लगाना है, पेयरिंग कर लें, 1 2 3, 3 3 = 9 प्लस 3 करेंगे, माइनस कर लीजिए, 3 + 3 हो गया 6, 9 − 9 = 0, 99 इज द कॉपी पेयर। अब यहां पे देखिए 61 × 1, 6 × 2 = 12, तो ज्यादा हो जाएगा, 62 × 2, तो इसलिए 61 × 1 लेंगे, 1 1 61, ईयर माइनस करना है, प्लस 1 62, 9 − 1 8, 9 − 6 3, अगेन द नेक्स्ट पेयर इज 99। देखिए 6 7 = 42, ज्यादा हो जाएगा, 6 3 = 6,
6 are 36, ठीक है, 6 6 are 36, मतलब 6 के लिए ट्राई करते हैं, लेट सी, 6 26 into 6, 6 6 are 36, 6 2 are 12 plus 3 15, 6 6 are 36 plus 137, 3 7 5 6, छोटा नंबर आ गया, मीन्स हियर वी हैव 6 एंड द प्रोडक्ट इज 3 7 5 6, यहां पे भी लिखिए 6 प्लस 6 हियर 6 32, 9 minus 6 3, 9 minus 5 4, 8 minus 7 1, 3 minus 3 0, so 143 must be subtracted. So according to this required 5-digit number, which is a perfect square, is 99,999 minus 143. So 9 minus 3 6, 9 minus 4 5, 9 minus 1 8, 99 as it is, and square root of 99856 will be equal to 316. Okay, right, so with the help of this, students, whatever we have discussed today, you can solve question number 4 of exercise 6.4 NCERT. And apart from that, find greatest 6-digit number. Find greatest 6-digit number which is a perfect square. Find greatest 6-digit number which is a perfect square. Next question, which you can try yourself. Find greatest 7-digit number which is a perfect square. Find the number 5,000 which is a perfect square. Here you can take just less than, so again in this question, अभी यहां पर हमने बताया था greatest 6-digit number है, तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से, 99999. ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है. ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर है तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे 99999.
इससे स्टार्ट करेंगे. ओके, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब यहां पे आपको नियरर टू 5000 बोला है, तो यहां पे स्टार्ट करेंगे 5000 से. 5000 से ही स्टार्ट करना है. ओके, राइट. एंड नेक्स्ट इज फाइंड, व्हिच वी हैव लर्नड अर्लियर आल्सो, फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. I'll be giving you some numbers here. This you have to do. First one, 54756. Three six zero nine. Four four zero one six zero four five three one four four one six two five zero four eight three six. Also some decimal numbers, 610.09 176.0929 0.9025. थोड़ा सा आपको एक यहां पे रिकॉल कर दें कि आपको बच्चों करना क्या है डेसिमल नंबर्स के लिए. ये क्वेश्चंस तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे. ओके, and for just to find out the square root of these decimal numbers, as we have discussed in the last class as well, we'll be using long division method. To sabse pehle aapko kya karna hai, iska main ek example aur bata dun aapko. 610 2.108304, bada number le lete hain, chaliye 2.108 304, इसका रूट निकालना है आपको. तो बच्चों यहां पे सबसे पहले आप पेयरिंग हमेशा डेसिमल से स्टार्ट करेंगे. तो इस तरफ एक पेयर बन गया ये दो का, और इधर आप देखिए 1 2 3. पेयरिंग का तरीका वही है, लेकिन डेसिमल से स्टार्ट होती है पेयरिंग हमेशा. And in this type of questions, most of the questions you will be having even number of digits after the decimal. Okay? तो यहां पर अब आपको जब आप square root निकाले तो आप ये decimal थोड़ी देर के लिए भूल जाइए. Number लिखा मैंने 2108304. ठीक है, अब यहां pairing कर ले फिर से 1 2 3, एंड देखिए ये pairing आ गई. Okay? Now we find out the square root of this number by long division method. 2 है पहला number. 1 1s are 1 here plus 1 here minus 1 किया 1 plus 1 हो गया 2 2 minus 1 is 1. copy down the pair 1 0. अब यहां पे कुछ number लगाना है, देखिए 2 5s are 10,
तो यदि मैं 5 लिखता हूं यहां पे तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 इंटू 5 इज 125, ज्यादा हो गया, इससे छोटा नंबर लेना है, मतलब 4 लेंगे, 4, 24 4 जार 96 होता है, प्लस 4 किया 28 आ गया यहां पर, ब्लैंक अगेन, माइनस करना है 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 9 1 एंड 0 हियर, कॉपी डाउन द नेक्स्ट पेयर 83, अब 28 नियर टू 30 है बच्चे, तो 30 का टेबल पढ़ते हैं, 30 इंटू 3 इज 90, 30 इंटू 4 इज 120, 5 तो ज्यादा हो जाएगा, लेट्स ट्राई फॉर 4, तो 284 इंटू 4, 4 जा 16, 48 जा 32 प्लस 1 33, 42 जा 8 प्लस 3 11, 1136 कम आया था, एक बार 5 के लिए और ट्राई कर लेते हैं, 285 इंटू 5, 55 जा 25 2, 58 जा 40 प्लस 2 42 4, 52 जा 10 प्लस 4 14 1425, ओके 5 इज ओके, तो यहां पे 5 ले लेते हैं, 5 5 टाइम्स इट इज 1425, राइट नाउ अगेन प्लस 5 किया यहां पर 290 हो गया, वन डिजिट ब्लैंक, 13 माइनस 5 8, 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 4 0 0, ठीक है, कॉपी डाउन अनदर पेयर 04, 29 इंटू 2 58 होता है, तो 2 से ही ट्राई करते हैं डायरेक्ट, 2 2 2902 इंटू 2 इज 5804 ओवर ईयर, प्लस 2 किया 2904, सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 210 8304, इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला 1452, डेसिमल हटा के पहले स्क्वायर रूट निकाला, अब मैं डेसिमल लगाऊंगा और अकॉर्डिंगली दैट आई विल प्लेस द डेसिमल, हियर इट इज 2.108304, तो पेयरिंग कर दे डेसिमल के बाद 1 2 3, देर विल बी 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, तो यहां पे नंबर पूरा मैंने वही का वही लिख दिया एज इट इज, और काउंटिंग करो 1 2 3, राइट से करेंगे हमेशा 1 2 3, और यहां पे लगा दिया डेसिमल 1 2 3, और यहां लगा दिया डेसिमल, सो योर आंसर इज 1.452 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2.108304, सो दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर्स, राइट, थैंक यू, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, एंजॉय योर डे, ओके.